गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आपको लग चलते हैं हम लोग लाल किले के अंदर। लाल किले के अंदर पूरी आपको तो कई इमारती लोग करिए यहाँ आप सीधे, और यहाँ पर एक टिकट की ऑनलाइन करेंगे तो आप 56 रुपये पड़ेगा, मगर आप अगर बसेस लेने आएंगे तो महंगा पड़ जाएगा आपको। और इसे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। तो आपको अंदर ले जाते हैं इसमें। देखिए, यहाँ पर एंट्री गेट और यहाँ पर एग्जिट गेट सेम है। यहाँ पर मस्जिद जामा मस्जिद लॉक रहा था। अंदर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बगल में यहाँ पर घास जमी है, मगर यहाँ पर पानी में डालना चाहिए तो मस्त लगता है। यहाँ पर मछली उछली, यहाँ पर वायर से यहाँ पर कवर किया गया है, और यहाँ पर आसपास अगल बगल धूप तरी गई है। तो अंदर चलते हैं, आप बने रहिएगा। ये वो इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो खुद अपने हाथों से लिखी। पुराने हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान बनने में जितने जमाने लगे और जो जो कहानियां गढ़ी गईं, दिल्ली का ये लाल किला उनका गवाह बना। पिछली 4 सदियों में इस इमारत ने इतिहास को ना जाने कितनी दफा करवटें बदलते देखा। इस इमारत ने गुजरते दौर देखे हैं, बदलते जमाने देखे हैं। वो हुकूमतें जिनकी बादशाहत कभी पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को पल में नेस्तो नाबूद होते देखा है। इस वीडियो में आप लाल किले के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 23, दिल्ली के इस लाल किले का जो ये नाम है लाल किला, ये नाम किले की इन बड़ी सी लाल पत्थर से बनी बाउंड्री वॉल्स की वजह से पड़ा है, और ये नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेजों के जमाने से पड़ा है। शायद वो अंग्रेज ही थे जिन्होंने इसे रेड फोर्ट कहना शुरू किया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले का असली नाम किला ए मुबारक है। ये नाम शाहजहां ने इसे दिया था। नंबर 22, शाहजहां ने लाल किला बनवाने का तब सोचा जब उसने ये फैसला किया कि अब मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली बदल दी जाए। अकबर के जमाने में मुगलों की राजधानी आगरा थी। अकबर को दिल्ली उतनी पसंद नहीं थी क्योंकि दिल्ली अकबर को अपने पिता हुमायूं की शेरशाह सूरी से हुई हार याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से परेशान थे और उसने दिल्ली वापस आने का मन बना लिया। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर बसाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। इसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसी शहर के बीच में भव्य लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। नंबर 21, 1638 में शाहजहां ने लाल किला बनवाने का हुक्म दिया और पूरे 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ उस वक्त शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में थे। जब उन्हें यह खबर दी गई फौरन दिल्ली तब वापस आ गए। नंबर 20, लाल किले के दो मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपने और अपनी बेगमों के लिए निजी मस्जिद बनवा ली, जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। नंबर 19, दिल्ली दरवाजा तो अब आम जनता के लिए खुला नहीं है, सिर्फ लाहौरी दरवाजे के जरिए ही लोग किले के अंदर जा सकते हैं। लाहौरी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा इसलिए पड़ा क्योंकि मुगलों के जमाने में तीन शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। और इस दरवाजे का जो फ्रंट है वो लाहौर शहर की तरफ है, इसीलिए इसे लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। नंबर 18, इस लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगजेब ने यह दीवार बनवा दी थी, इसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। लाहौरी दरवाजा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है और इस दरवाजे से
दीवाने आम साफ दिखाई देता था, जो कि बादशाह के बैठने की जगह थी। इसीलिए लोगों को बादशाह की अदब के लिहाज से चांदनी चौक पर पैदल चलना पड़ता था। ये दुविधा खत्म करने के लिए और किले को और भी प्रोटेक्शन देने के लिए औरंगजेब ने लाहौरी दरवाजे के सामने ये दीवार बनवा दी थी। शाहजहां को औरंगजेब की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि चांदनी चौक पर खड़े होकर अगर कोई लाल किले को देखता था तब सामने लाहौरी दरवाजा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था, लेकिन बाद में दीवार बन जाने के बाद वो उतना भव्य नहीं रहा। जब ये दीवार बनवाई गई उन दिनों शाहजहां आगरा में कैद थे। आगरा से ही शाहजहां ने औरंगजेब को एक खत लिखा था। खत में शाहजहां ने लिखा था कि बेटे, दीवार बनवाकर मानो तुमने किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। नंबर 17। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। नंबर 16। लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे छत्ता बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिन चीजों का इस्तेमाल होता था उस तरह का सामान इस बाजार में मिलता था। एक जमाना था जब अरब और फारस जैसे देशों से व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ आते थे, जिसे वो बादशाह की बेगमों और शहजादियों को बेचते थे। अच्छी बात यह है कि ये बाजार 350 साल बाद आज भी अपनी उन्हीं रंगीनियों के साथ जिंदा है और आज भी लोग यहाँ से तरह तरह का साजो सामान खरीद कर ले जाते हैं। नंबर 15। छत्ता बाजार खत्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है नौबत खाना। नौबत खाने की ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशंस बैठते थे और यहाँ दिन में 5 बार नौबत बजती थी अलग अलग वक्त को बतलाने के लिए। नौबत खाने में बादशाह के आने की घोषणा करने के लिए भी नौबत बजा करती थी। इसी नौबत खाने के अंदर 9वें मुगल बादशाह जहांदार शाह और 10वें मुगल बादशाह फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नंबर 14। नौबत खाने के बिल्कुल सामने पड़ता है दीवाने आम। नाम से ही अंदाजा हो जाता है, दीवाने आम यानी ऐसा शाही दरबार जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवाने आम में मौजूद इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नशे मने जिल्ले इलाही कहा जाता था, यानी ऐसा स्थान जिस पर ईश्वर की छाया हो। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक बड़ा ही सुंदर तख्त रखा है, जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानियां पढ़कर सुनाता था या कोई गुजारिश पेश करता था। दीवाने आम के सिंहासन की इस पिछली दीवार पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। इस पत्थर पर इतनी खूबसूरत चित्रकारी की गई है जिसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। ये चित्रकारी फ्रेंच आर्टिस्ट ओस्टन द बोर्डो द्वारा की गई थी। नंबर 13। लाल किले की अगली इमारत है दीवाने खास, यानी ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जैसे बादशाह के मंत्री, सलाहकार और उनके मेहमान वगैरह। दीवाने खास की ये पूरी इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसी दीवाने खास में बादशाह का वो आलीशान सिंहासन रखा हुआ था जिसके चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। बादशाह के इस सिंहासन का नाम था तख्ते ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरातों से बना हुआ सिंहासन था। इसके ऊपरी सिरे पर हीरे मोतियों से बने 2 मोर थे और इसी पीकॉक थ्रोन में भारत का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। पीकॉक थ्रोन की कीमत 17वीं सदी में भी कई करोड़ों में आकी गई थी।
फिर 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया। उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसकी सेनाओं ने दिल्ली को जमकर लूटा और वो लाल किले की कई बेशकीमती चीज़ों के साथ पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गया। कहा जाता है कि दिल्ली को लूटने के बाद जब नादिर शाह और उसकी सेना ईरान वापस जा रही थी तो रास्ते में उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया और कई चीज़ें लूट ली, उनमें से एक पीकॉक थ्रोन भी था। लुटेरों ने पीकॉक थ्रोन को तोड़कर उसके कई हिस्से कर दिए और उसे आपस में बांट लिया। कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन के टूटे हुए निचले हिस्से को आखिरी बार तेहरान के एक म्यूजियम में देखा गया था। तख्ते ताऊस में बैठकर बादशाह दीवाने खास में अपने खास लोगों से मिलते थे और सलाह मशवरा करते थे। दीवाने खास लाल किले का सबसे खूबसूरत महल हुआ करता था। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महल की पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। बाद में उस चांदी की छत को निकाल लिया गया। इसकी संगमरमर की दीवारों पर जगह जगह पर कीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे जिन्हें लोग निकाल कर ले गए। अब उनके सिर्फ निशान बाकी हैं। इसी दीवाने खास में फारसी की वो मशहूर पंक्तियां लिखी हैं, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। नंबर 12, किले के अंदर अगर कोई सबसे सुंदरतम रचना थी तो वो थी नहरे बहिष्ट, यानी स्वर्ग की नहर। इस नहर को शाहजहां ने जन्नत की परिकल्पना पर बनवाया था। नहरे बहिष्ट जब महलों के अंदर से होती हुई बाग बगीचों के पास से बहती थी तब मानो स्वर्ग जैसा एहसास करवाती थी। इसके बहने से पानी की बड़ी मधुर आवाज़ पैदा होती थी। नहरे बहिष्ट में फव्वारे बने हुए थे। इससे निकलते फव्वारे मानो गर्मियों में भी सावन का एहसास करवाते थे। वैसे तो नहरे बहिष्ट लाल किले के अंदर कई जगह से बहती थी, लेकिन इसे महलों के बीच में से इसलिए बनाया गया था ताकि नहर के पानी से महलों के अंदर ठंडक रहे। नहरे बहिष्ट में पानी को चलाए रखने के लिए यमुना नदी से पानी उठाया जाता था। नंबर 11, शाहजहां ने अपनी रानियों और किले की अन्य शाही औरतों के लिए जो महल बनवाए थे उनमें पहला महल है रंग महल। ये बहुत ही बड़ा महल है। इस महल के बीच से नहरे बहिष्ट बहा करती थी जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखती थी। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के दौरान रंग महल को रसोई घर में बदल दिया था। इस महल की दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और मोती जड़े हुए थे। दीवारों पर उन पत्थर और मोतियों के उखाड़े जाने के निशान देखे जा सकते हैं। नंबर 10, अगली इमारत है मुमताज़ महल। ये महल भी किले में रहने वाली शाही परिवार की औरतों के लिए था। इस महल का नाम शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ के नाम पर रखा था जिसकी मृत्यु काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। इस महल में बादशाह और शहजादों के अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। जब अंग्रेज़ों ने लाल किले पर कब्ज़ा कर लिया उसके बाद मुमताज़ महल को उन्होंने जेलखाने में बदल दिया था। नंबर 9, रंग महल के पास मौजूद है खास महल। खास महल बादशाह का अपना निजी महल था। इस बड़ी सी इमारत के तीन मुख्य कमरे हैं। पहला तस्बीह खाना, इस कमरे में बैठकर बादशाह इबादत करते थे। दूसरा है ख्वाबगाह यानी सपनों का महल, ये बादशाह का बेडरूम था। और तीसरा है बड़ी बैठक, यहाँ बादशाह फुर्सत की घड़ियों में बैठते थे और आराम फरमाते थे। नंबर 8, लाल किले में एक खूबसूरत बाग हुआ करता था जिसे हयात बख्श बाग कहा जाता था। हयात बख्श बाग का मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। आज किले में हयात बख्श बाग का सिर्फ खाली मैदान बाकी है।
लेकिन एक जमाना था जब इस बाग से खुशबूदार फव्वारे निकलते थे और यहाँ रंग बिरंगे फूल उगाए जाते थे। नंबर 7, हयात बख्श बाग के मैदान में बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली दो इमारतें आमने सामने मौजूद हैं। एक इमारत का नाम है सावन और दूसरी का भादों। क्योंकि फारसी मुगल दौर की आम बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए किले में और जितनी भी इमारतें, महल और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, उन सभी के नाम फारसी भाषा में रखे गए थे, सिवाय इन दो इमारतों के। इन इमारतों के नाम हिंदी महीनों के नाम पर रखे गए थे। जब कभी दिल्ली में बारिश होती थी, तब एक इमारत में शाही परिवार के पुरुष और दूसरी में शाही औरतें बैठकर बारिश का आनंद लेती थी। नंबर 6, लाहौरी दरवाजे और दिल्ली दरवाजे के बाद लाल किले का एक तीसरा दरवाज़ा भी है, जिसे यमुना गेट कहते हैं। ये दरवाज़ा नीचे से यमुना नदी की तरफ जाता था, जहां बादशाह की नाव लगी होती थी। बादशाह नाव में बैठकर यमुना नदी के जरिए दिल्ली से दूसरे शहरों में जाते थे। नंबर 5, लाल किले के वैभव और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। नंबर 4, दिल्ली के इस लाल किले से जुड़ा हुआ एक और किला है, जिसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। सलीमगढ़ के किले को शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। सलीमगढ़ का किला लाल किले से एक पुल के जरिए जुड़ा हुआ है। नंबर 3, लाल किले में एक और सुंदर बाग हुआ करता था, जिसे मेहताब बाग कहते थे। इसे अंग्रेजों ने नेस्तोनाबूद कर दिया था और इस बाग की जगह पर फौजियों के लिए बैरक बनवा दिए गए। अंग्रेजों ने लाल किले की कई इमारतों को तोड़कर वहां अपनी जरूरत के हिसाब से बैरक और परेड ग्राउंड बनवा दिए। अंग्रेजों के बनाए ये बैरक विक्टोरियन आर्किटेक्चर का नमूना है। किले के अंदर मौजूद सभी इमारतों को अगर आप देखते हो, तो आपको मुगली आर्किटेक्चर और विक्टोरियन आर्किटेक्चर में डिफरेंस साफ नजर आएगा। नंबर 2, ये है लाल किले का जफर महल। इसे आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था। ये लाल किले के अंदर किसी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत है। नंबर 1, यहीं लाल किले में अंग्रेजों ने बादशाह जफर पर मुकदमा चलाया था। बादशाह को अपने ही मुल्क में, अपने ही किले में अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होना पड़ा। अंग्रेजों ने बादशाह जफर को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का दोषी करार देकर उन्हें देश निकाला दे दिया और उन्हें हिंदुस्तान से रंगून रवाना कर दिया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। वहीं रंगून से ही बादशाह जफर ने लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। कि ऐ जफर, तू कितना बदनसीब है, तुझे तो तेरे अपने ही मुल्क में दफन होने के लिए दो गज जमी भी ना मिल सकी। अगर इस किले ने मुगल सल्तनत के चमकते हुए सूरज को देखा है, तो इसने उस सूरज को फोटो देखे
यहाँ पर विक्टोरिक क्रॉस रिसेप्शन है। चैनल में आगे बने रहिए, आपको पूरी वीडियो फुल वीडियो दिखाएंगे। ये पहला म्यूजियम है अभी और इसमें कई कृतकला नहीं है। मोदी जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने 11 अप्रैल 2015 की वीडियो है, यहाँ पर LCD में दिखा रहा है। आगे बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। दूसरा म्यूजियम लौक रहा है और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं सब। और यहाँ पर दूसरे लाल किले में आ गए। यहाँ पर लिखा लाल किले की आई आवाज़ दिल्ली, आगे भी कुछ लिखा था नहीं देख पाए। और यहाँ पर भी फोटो वोटो लगी है म्यूजियम में। और यहाँ पर भी चित्र कला है, पचहत्तरवीं कुछ इस तरह लिखा है। आपको पढ़ना है तो रोक रोक के स्क्रीन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ जरा है, यहाँ इसमें खाली है, इसमें कुछ नहीं है। और इसमें लिखा है मगर इसमें कुछ धरा वरा नहीं है। और इसमें धरा है तलवार है और इसमें धरने वाला इसका। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखा है इस पर, उनका होगा शायद। और यहाँ पर पहचान पत्र है, हिंद फौज की पहचान पत्र ऐसी ही थी। आपको जूम कर कभी उसको दिखाते हैं, जूम कर रहे हो कि आप आईडी कार्ड ऑफ आई एन एस होल्डर, इसे जूम करेंगे अभी रुकिए। संघर्ष पर आगे बढ़ते हुए देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ रहा है। यहाँ पर नोट करेंसी 101 कुछ करके, यहाँ पर 10 रुपये 10 रुपीज़ यहाँ पर करेंसी दी है। मणिपुर से प्रचलित आज़ाद हिंद फौज की
बैडेज ऑफ द मेडल्स ऑफ INA, यहाँ पर सिक्के कर कुछ टाइप धरा गया है कैप्शन, और आगे बढ़ते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ टाइप कागज से धरा है, यहाँ पर लग रहा है वर्दी लगाने वाला है INA कर कर। और यहाँ पर चेयर धरी है जिसपे बैठते थे महाराजा वगैरह रेस्ट करते हैं, नेताजी कुर्सी लिखा है इस पर, नेताजी चेयर। और इसी तरह आगे चैनल बढ़ते हुए यहाँ पर नक्शा दिया है, और यहाँ पर अम्बेडकर जी बनाए हैं। यहाँ पर पूरी नक्शा दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा गया था। बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, उसे उसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बाहर निकलते हुए यहाँ पर कई फोटो दिए गए हैं, यहाँ पर से बाहर चलते और यहाँ पर मतलब शीशा उसे लगा के बाकायदे पैक किया गया कि बाहर से कोई अंदर डायरेक्ट आ ना सके। यहाँ से बैरियर देकर यहाँ पर गया कि यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर दूसरा उसी म्यूजियम में ही यहाँ पर LCD प्रोजेक्टर करके है, यहाँ पर वीडियो दिखा रही गई है कैसे कैसे लड़ाई हो रही थी, और यहाँ पर कुछ सेल्फी ली गई है संग। इस सेल्फी को देखेंगे अभी, थोड़ा से कैमरा को 360 घुमा दें। यहाँ पर कितनी भीड़ है, और आपको दिखाते हैं यहाँ पर माँ प्रभावती देवी, पिता नहीं पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर फोटो दी गई है, पिक्चर्स कुछ, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे लड़के हैं और तीन चार लोग, पूरी फैमिली लग रही है। आपको पता है तो कमेंट बताइए किसकी फैमिली है। यहाँ पर कुछ नारा दिया गया है, इस पर लिखा गया है हिंदुस्तान आज़ाद होगा। ये लोगों के अंदर एक देश भावना बनने की इच्छा जगाई थी अम्बेडकर जी ने, B.R. अम्बेडकर पूरा नाम इनका। इन्होंने संविधान को लिखने था, इनका बड़ा हाथ था और संविधान लिखने में, और गांधी जी यहाँ पर बैठे थे। और यहाँ पर दूसरे म्यूजियम में यहाँ पर देखिए चाकू वकू और पासपोर्ट वीज़ा वीज़ा कर कर कुछ है। यहाँ पर इनके विद्यालय के दिन भी दिए, यहाँ पर फोटो विद्यालय की है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्कूल दिखा है। और यहाँ पर है एक राष्ट्रवाद की जन्म, यहाँ पर कोई राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। और यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, उतना मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए। और यहाँ पर किताबें धरी हैं कुछ राइटर जिसकी लिखा गया है। यहाँ पर करेंसी होने से फिर से धरी है, और यहाँ पर कुछ धरा, यहाँ पर डायरी हो रही है और टोपी धरी है सुभाष चंद्र बोस और V.R. अम्बेडकर की। यहाँ पर 99 यहाँ पर डेट भी मेंशन किया गया है, आप पढ़ना है पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर भी एक LCD दिया है, इस पर भी कुछ चल रही है। और यहाँ से फिर गैलरी, इसमें भी चलते हैं, नहीं पे सीधे चलते हैं पिंकी। आगे से देख के आते हैं पहले, फिर चलेंगे ऊपर। इसमें भी कुछ दिया है, यहाँ से एग्जिट भी हो सकता है, मगर पहले देख लेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से आएंगे तो एग्जिट करेंगे। यहाँ पर कुछ जरा है देखने के लिए, यहाँ पर
आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ कृत कलाएँ दरी हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर वी आर अम्बेडकर। अब ऊपर चलते हैं, इसमें कुछ था नहीं वैसे खास। यहाँ पर एक सीट चढ़ जाए, चढ़ते चढ़ते यहाँ पर भी किसी की फ़ोटो लगी है। यहाँ पर अम्बेडकर जी लोग रहे हैं, गांधी जी थे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज़ादी की फ़ोटो खींची थी। यहाँ पर कोई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, एक्शन में मारवा था। अब ऊपर चलते हैं, आते वक्त फ़ोटो खींच लेंगे दो तीन से, हम लोग भी यहीं पे। यहाँ पर म्यूजियम में वैसे चित्रकला भी दी, यहाँ पर जाएंगे बाद में हम लोग। और उसमें पहले यार इसमें जाकर देखते हैं क्या क्या है। आगे चलते हैं, यहाँ पर करो या मरो का नारा दिए गए थे। यहाँ पर लिखा है कुतुब मीनार कर, और यहाँ पर करो या मरो 1942 में ही इस नारा को प्रचलित किया गया था। और यहाँ पर भैया थे मेरे। यहाँ पर भी एक LCD दी है। यहाँ पर भी फोटो, आर्मी सोल्जर थे बैठे हैं, यहाँ पर फोटो खींची हुई है। और इसमें भी कई कृतिकला भी दिख रहे हैं, मगर यहाँ पर बैठ कर जिसे पढ़ना है पढ़ सकता है आराम से। यहाँ पर सीट उट लगा है आसपास में बगल बगल। देखिए यहाँ पर कैसे युद्ध लड़ाई हो रही थी, यहाँ पर सोल्जर उधर। यहाँ पर चुलबुली और सोना देख रही है वीडियो, कैसे भैया ये भैया कॉमिक देख रहे हैं क्या क्या लिखा है इसमें। यहाँ पर भी किसी का फोटो लगाया है और पता नहीं चल रहा है कौन पढ़ता है इतना ब्लॉग्स में। अभी इसमें से निकलते हैं, चलिए इसमें कुछ था नहीं वैसे खास। अभी एक और ऊपर सीढ़ी लगा कर ही चले क्या ऊपर, नहीं इस पर बैरियर लगाए, नीचे चलना पड़ेगा। नीचे नहीं पहले इसमें चल जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। अब यहाँ से दृश्य लौक रहा है, शीशा से पैक है पूरा। और यहाँ से अंदर नहीं आ, यहाँ पर सीधे अंदर जाएंगे पहले। यहाँ पर कुछ लॉक तो नहीं रहा है उसे खास, मगर अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर LCD लगी है और ये हॉल टाइप में लग रहा है, और इसमें बड़ा हॉल टाइप में है, पूरा चित्र बनाया है इसमें 1943 कर। देखिए यहाँ पर बैठने की जगह भी है, नीचे बैठे भी हैं कुछ लोग। और यहाँ पर पूरी हॉल टाइप में एकदम सिनेमा हॉल जैसे है। यहाँ पर फोटो भी खिंचा सकते हैं आप, इसमें कहीं भी मोबाइल ले जा सकते हैं, इसमें कोई नाकाबंदी नहीं है। और यहाँ पर कुछ नक्शा दिया गया है, यहाँ द एनिमी करके कुछ लिखा गया था। यहाँ पर पूरी फौज की फोटो खींची है, यहाँ पर सल्यूट मार रहे हैं वी आर अम्बेडकर। और यहाँ पर कुछ बहुत तरीके नारे दिए गए हैं, उतना कौन पढ़ेगा यार, इतना पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगी, कभी क्या है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो एक बार क्लिक करें, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। भैया बैठे हैं यहाँ पर हाय कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ नारे की दिए गए हैं। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब निकलेंगे यहाँ सिंगापुर करके कुछ लिखा था। अब इसमें से अब दूसरे म्यूजियम चलते हैं निकल कर, पहले थोड़ा शिस्ट दिखा देते हैं पूरा वीडियो। पूरा वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर फुल रिव्यू है 360 डिग्री। अब यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ पर निकलते हैं। अब सीढ़ी नीचे होते होते हुए बाहर निकलने का देखते हैं, यहाँ पर निकल कर। यहाँ पर एक सीढ़ी, दो सीढ़ी पूरा दूसरे फ्लोर पर थे। अब यहाँ से निकल गए, फर्स्ट फ्लोर पर आ गए।
यहाँ से एग्जिट करने का रास्ता बता रहा है, यहाँ से एग्जिट करके दूसरे म्यूजियम में जाएंगे हम। यहाँ पर भी वीआर अम्बेडकर जी का फोटो लगा है। आपको कैसा लगा इस चैनल का, इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी अभी बहुत दो म्यूजियम बचे हैं, यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे जाकर इस यहाँ सब शीशे से पैक किया गया है, साउंड प्रूफ शीशे, आवाज़ बाहर नहीं आएगी। और आगे चलते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं। यहाँ से आ रहे हैं भैया भैया, यहाँ से बाहर आ गए। बाहर तो गर्मी बहुत है, धूप है, तभी ब्लॉग्स बना रहे हैं। 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान चला गया है, हम लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं। और यहाँ पर अभी म्यूजियम देख, पुराने टाइप में हॉल दिया है। यहाँ पर दो म्यूजियम वहाँ पर थे, एक यहाँ पर। और आगे चलते हैं, आगे भी एक म्यूजियम है, उसको भी रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर नहर बनी है, मगर नहर सूख गई है, तालाब जैसे था। और यहाँ पर वहाँ पर लग रहा है बड़े बड़े कुछ गुफा टाइप लग रहे हैं। वहाँ पर पूरी खाली मैदान है, यहाँ घास नहीं, सीमेंट की बनी है शायद पूरी। हाँ, सीमेंट ही है सब। और आगे चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, वो लोग इतने पीछे रह गए, लग रहा है चुली रो रही है। थोड़ा सा कैमरा हिला है हाथ से, चलते वक्त तो उतना घूमेंगे। वो लोग रहा है म्यूजियम, वहाँ पर पहले ठंडा पानी भरेंगे, प्यास तो बहुत लगी गर्मी में। चलते हैं पहले अंदर, यहाँ पर भी कुछ दिए गए रास्ता कि यहाँ से कहाँ कहाँ जाएगा। यहाँ से सीधे चलेंगे तो यहाँ पर गाड़ी भी लगती है, इस पर बैठ सकते हैं आप। नहीं, शायद सिक्योरिटी वाली गाड़ी होती है, नहीं बैठ नहीं पाएंगे आप, सॉरी सॉरी। यहाँ पर आ रही है, इसमें लगा है सिक्योरिटी बैठा है, देखिए गई वहाँ पर। यहाँ पर दिया है क्रांतिक मंदिर, यहाँ पर उस साइड में क्रांतिक मंदिर है, मगर नहीं जाएंगे, उधर से आए तो हम लोग। चलते हैं दूसरे म्यूजियम में। अब यहाँ से देखिए एक और रास्ता यहाँ पर निकला है, और यहाँ पर दूसरा म्यूजियम। यहाँ पर रास्ता सीधे सीधे थे, अगर दूसरे म्यूजियम में जाना है हम लोग तो यहाँ पर काम चल रहा है कुछ। ये लग रहा है स्टेशन जैसे टाइप में, पुलिस स्टेशन। अंदर जाते हैं हम लोग सीधे, और यहाँ पर फोटो वोटो सेल्फी बहुत बढ़िया आएगी, बहुत बढ़िया सेल्फी। यहाँ पर जगह है, बैठ से फोटो भी जाके जा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत तरह की, मतलब कि खाने पीने की व्यवस्था भी सही है, किसी को भूख लगी तो खा सकता है यहाँ पर। यहाँ पर शीशे से बकायदे पैक किया गया है, कोई अंदर घुस ना सके। और वहाँ पर भी कोई बैठा है लग रहा है, हाँ कोई सिक्योरिटी बैठा है शायद। इसमें घूमने की जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है।
आगे चलते हैं, वहाँ पर पानी भरकर फिर आपको म्यूज़ियम को दिखाएंगे। और यहाँ पर मतलब आराम कर सकते हैं, यहाँ पर पेड़ की छाँव भी बहुत है। आगे इस लाल किला तो ऐसा लगता है अंदर से ये ऐसा ही है, लाल तो नहीं है मगर वाइट लाल दोनों मिक्स से लग रहे हैं पूरे। हरियाली थोड़ी नहीं है इसमें, पानी पड़ता है तो वर्षा के समय होती है हरियाली। तो चलते हैं आपको लेक्चर कर थोड़ा रुक आगे, यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए कर दिए तो इसको ऐड कर दिए थे आपको। चलते हैं तब आपको म्यूजियम में लेकर चलते हैं। देखिए आगे यहाँ पर पानी भर लेते हैं, ये म्यूजियम है बगल में, यहाँ से म्यूजियम में जाएंगे लोग, पानी भर लेते हैं यहाँ से पानी। ये पानी भर लेते हैं, यहाँ पर बैठेंगे पहले देखेंगे, जाकर बैगों को धकर पानी भरेंगे, जाकर फिर पानी भर के आएंगे। मैं जा रहा हूँ पानी भरने, पानी भर के आएंगे। तो यहाँ पर सामने आपको ठंडा ठंडा पानी एकदम पीने का पानी स्वच्छ साफ मिल जाएगा, सीधे आपको दिखा देते हैं। ये म्यूज़ियम, म्यूज़ियम के पीछे पानी बनेगा यहाँ पर है, सीधे पानी भर सकते हैं आप। देखिए इसमें दो लोग निकले, उसी में पानी बनने वाला है, पानी ठंडा है। और अब चलते हैं म्यूज़ियम में लेकर, थोड़ा सा कैमरा सीधा सीधे करते हैं मगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अभी सही हो जाएगा कैमरा। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर कुछ गेम भी दिए गए हैं। ठंडा ठंडा पानी है तो कर रहे हैं ठंडा ठंडा है। यहाँ पर अब अंदर चलते हैं, यहाँ पर म्यूजियम में देखिए, यहाँ पर कुछ कृतिकार आज़ादी के दीवाने, यहाँ पर सीसेस पैकर का जाकर दीवान लिखा गया है। और यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट में लिखा गया था, यहाँ पर फोटो लगी है गन चलाते हुए। और यहाँ पर भी दो फोटो दरी है फोटो खींचने के लिए, फोटो खींच सकते हैं आप। और यहाँ पर सिक्योरिटी भैया बैठे हैं, देखेंगे कोई कुछ तोड़ ओड़ नहीं रहा है। और यहाँ पर भी फोटो देखे, घोड़े सिंह बैठे हैं यहाँ लोग। और आगे चलते हैं तो कुछ लोग तो नहीं रहा ऐसे बढ़िया। और यहाँ पर कुछ गेम्स दिया है, देखते हैं, ये कुछ फोटो ओड दिए आपको दिखाएंगे LCD में, ऐसे आप चला भी सकते हैं हाथ से। रुको आपको चला के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें बुक्स दिए हैं, बुक्स को आप टिपेंगे, जैसे कि कोई बुक्स इसमें सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे अभी करेंगे सिलेक्ट करके दिखाएंगे आपको अभी, रुके। यहाँ पर कुछ फोटो लिखा गया है, यहाँ सिलेक्ट करते हैं बुक, जैसे सिलेक्ट किए यहाँ पर लोडिंग करेगा, अब इसे स्वीप कर सकते हैं, यहाँ पर जूम भी कर सकते, अब जिसे पढ़ना है पढ़ सकता है। देखो स्वीप करेंगे तो इस तरह पेज खुलेगा। आपको लगा कि आप कोई चला रहे हैं LCD प्रोजेक्टर, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि जिसके बारे में सर्च करना है, जैसे कि कुछ सर्च करते हैं, यहाँ पर से आ गया बी पेज कर आप स्वीप कर सकते हैं, इसे नेक्स्ट पेज कर आएगा। और इसमें कई कई कॉपी दी गई हैं, इसमें बहुत आपको अच्छा भी लगेगा, ऐसे इसे इसीलिए बनाया गया है। दो एक आग सामने का बन गया है और स्वीप रिटर्न का दिखेगा। ये तीसरे म्यूजियम में और दूसरे म्यूजियम में बढ़िया बढ़िया दिया गया है, आगे भी चलेंगे आपको दिखाएंगे। इसी तरह अब आप देख सकते हैं, अगर आप आए विजिट करने आएगा तो यहाँ पर जरूर आएगा। और इसमें आप कोई नाका बंद नहीं है, आप चला सकते हैं इसे। और बाकायदा यहाँ पर कर्सर वर्सर भी दिया गया, आप कट कर आप चल आगे भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे लोग भी देख सकेंगे, देखेंगे आप यहाँ पर भी दरवाज़ा है, इसमें भी जाएंगे देखेंगे। यहाँ पर ये बंद हो चुका है, इसमें चल ही नहीं लग रहा है। और यहाँ पर फोटो दी गई है, आप सेल्फी भी ले सकते हैं। यहाँ पर केसरी एक नई फिल्म बनी है, उसी पर आधारित होगा ये। और यहाँ पर अलवर रियासत है, यहाँ पर 14 मई 1925 में अलवर रियासत थी।
और यहाँ पर फोटो दी गई है स्वामी सजानंद साची की, और यहाँ पर कई पत्रकार ने पत्र लिखा था। यहाँ पर दिखा साफ साफ लोग नहीं रहा है, मतलब दिखा दे रहे हैं तभी भी। यहाँ पर इसी तरह राइटिंग लिखी गई थी, और यहाँ पर भी लिखी, देखिए आपको साफ साफ लोग रहा है ना, अभी इसी तरह लिखी गई थी। यहाँ पर कुछ इसी तरह आप स्क्रीन को रोक कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फट उठ गई है थोड़ी, मिली थी, और इसका पेज भी मोटा है थोड़ा। यहाँ पर देखिए बच्चे गेम खेलने लगे, इसमें समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करें। अब ये बंद हो गई है तो ये खराबी पड़ी है। अब आगे चलते हैं इसमें, आगे चलते हैं तो इसमें यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता में यहाँ पर रियासत में रेड फोर्ट बनाया गया है। यहाँ पर कुछ फोटो होंगी, जैसे मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर देश भावना बने किस यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर फोटो वोटो थी जब देश आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर खुशी मनाई गई थी। यहाँ पर सब देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ थी जब देश आज़ाद हुआ था हमारे 15 अगस्त 1947 में। तो यहाँ पर इंडिया गेट में गए थे, यहाँ पर 15 अगस्त 1947 में भीड़ थी इतनी जब देश आज़ाद हुआ था, तब की ये फोटो है। यहाँ पर गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पर देखिए ये पता नहीं मगर झंडा लहरा रहे हैं यहाँ पर, जब देश आज़ाद हुआ पहला झंडा लहराया गया था। आगे यहाँ पर भी कई फोटो हैं 15 अगस्त 1947 की, और यहाँ पर न्यूज़ भी दिया गया था। अब यहाँ से बैठने वाला, यहाँ से देखो वहाँ पर है पानी पीने का जगह, यहाँ से आप भी फोटो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पर इंजॉय करना तो जैसे यहाँ बैठ गए। और ऊपर चलते हैं, तो ऊपर चलते हुए तो ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर लकड़ी की कुछ लकड़ी के सीढ़ी है, लकड़ी सीढ़ी है पूरी एकदम ठक ठक करती है जलने पर, देखिए लकड़ी की सीढ़ी पूरी बनी है। इस पैर चलते चलते देखा गया है, यहाँ पर भी चलते चलते आप फोटो खींच सकते थे पीछे। ऊपर चलते हैं ये दूसरे मंजिल पे, यहाँ पर फोटो दी गई है, देखिए इतनी अच्छी फोटो फ्रेम की गई है। 2002 ये लीड करते थे जिसे कोई चलती थी गैंग, इसमें लीडिंग काम करते थे। और यहाँ पर भी फोटो दी गई है और नाम भी दिया गया पूरा लाइन से। और यहाँ पर भी फोटो की दी गई पूरा खिड़की की बकायदे पैक कर। उद्धम सिंह नाम सुना ही होगा मजाक, इन सब सबका नाम इसे यहाँ पर एक करके दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भारत माता यहाँ पर बनी गई है, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ भारत माता, और इसके बारे में इनके बारे में भी लिखा गया है। यहाँ पर पीछे साइड में बालका इन कुछ नहीं लिखा गया, बस पीछे साइड में है लिखा गया है। और आगे चलते हैं तो आगे में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बना गया है, और से हम लोग देखते हैं तो कुछ अजीब बनाते हैं, मगर यहाँ पर असल बात इनकी फोटो यहाँ पर ऐसी ही बनाई गई है। यहाँ पर मदर डिपेंड ऑन द सेफ्टी एंड कुछ इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर पावर महिला शक्ति लिखा गया है। यहाँ पर देखिए आप रुक रुक कर स्क्रीन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको जल्दी नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ने का मन कराए तो। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई फोटो देखा गया, मगर यहाँ पर देखिए बाहर की ओर यहाँ पर क्लियर है इसमें, मगर अभी नहीं जाएंगे, पहले वो देख लेंगे तब चलेंगे इसमें देखेंगे। और वहाँ पर दिया गया कुछ देखते हैं, सिस्टर कुछ करके था, सबकी फ़ोटो दी गई। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और लड़के हैं जो 14-15 साल के थे, यहाँ पर उनकी वो उनके लग रहे हैं वार में चले गए थे, तो उनकी शांति आत्मा शांति के लिए यहाँ पर बनी गई ये फ़ोटो। यहाँ पर जूम कर आपको दिखा दें, 15 वर्ष की हैं एक और एक 14 वर्ष की, इस तरह बनाया गया इनका, इसके अंदर जा नहीं सकते आप, बस दूर से फ़ोटो खींच लेते हैं। और यहाँ पर एक गेम दिया गया है, इसमें गेम तो
देखते हैं गेम खेलकर। गेम में यार ये तो चल रहा है, इन्होंने 18 एक घंटे हैं, ये एक पहला को दे फिर दूसरा तीसरा चौथा। हाँ ये तो बिना टीपे ही चल रहा है यार, ये लैग कर रहा है लग रहा है। यहाँ देखे अपने आप बिना छुए, अभी छुए ही नहीं तब चला गया, इसको तो लग रहा है बताना पड़ेगा। चलो छोड़ो इसे बाद में क्या चलाएंगे, एक बार अगर कोशिश कर लेंगे। चलो कोशिश करते हैं, अगर अगर नहीं चला तो छोड़ चलेंगे। ये अभी छूते, अरे यार बिना छुए ही चल रहा है। देखो ये चला, ये एक कूदे दूसरा तीसरा, अरे यार लैग कर रहा है, ये बिना छुए ही चल रहा है अपने आप, इसको लग रहा है हैक कर दूंगे। हाँ छोड़ जाए दो, आगे चलते हैं। यहाँ पर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से हम म्यूजियम से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए फोटो तो दी गई है पूरी, और यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, देखते हैं अंदर क्या है। श्रद्धांजलि पूरी दी गई है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाया दिया है। यहाँ पर फोटो भी दी गई है, देखिए चार पांच लोगों की फोटो दी गई है। अब अंदर चलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैंडल टाइप बार कर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा भी गया है कुछ श्रद्धांजलि के लिए। यहाँ पर आवाज़ नहीं कर सकते आप, और यहाँ पर LED प्रोजेक्टर करके चालू गया है, यहाँ पर श्रद्धांजलि आवाज़ चालू हो रही है आराम से, मौन व्रत वाला साउंड चला है। और यहाँ पर नीचे देखिए कैंडल बर रही है, और मतलब ये LED कैंडल है, लाइट्स चल रही है बस दिखाने के लिए चला गया है यहाँ पर। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से एग्जिट हो सकता है, अब एग्जिट टाएंगे इसमें से, दूसरे बारे में चलेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ देख लीजिए, अब एग्जिट यहाँ से करेंगे बाहर। यहाँ पर बहुत गर्म गर्म हवा निकलता है, AC को देखिए, यहाँ से बहुत गर्म हवा निकल रहा है। और नीचे चलते हैं, नीचे नीचे इतना डायरेक्ट सीढ़ी उतरना है। यहाँ पर फोटो बहुत बढ़िया आएगा, फोटो खींचेंगे जरूर, एक फोटो देखेंगे आप। फोटो रुक के आपको सिम दिखाते हैं, फोटो अभी अभी फोटो आपको नीचे उतर जाएंगे, फोटो अभी दिखाएंगे, फोटो खींचे थे जो। चलते हैं नीचे तब फोटो देखिए, यहाँ पर इतने नीचे से वहाँ पर फील्ड खाली, वहाँ पर लग रहा है लग रहा है रेड फोर्ट, झंडा लग रहा है अपना देश का, कितना अच्छा लग रहा है। और मोदी जी आते हैं तो यहाँ पर झंडा लहराता है, 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ पर रैली भी होती है बहुत बढ़िया। किसान आंदोलन जब हुआ था तो यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर चढ़ गया था, उसको पता नहीं कैसे, आपको देखते चलते आगे। अब यहाँ पर आपको फोटो कुछ दिखा देंगे, यहाँ पर फोटो देखिए, आप फोटो भी डाल रहे हैं, देखिए फोटो खींचे यहाँ पर, और नाम लिख रहा है मेरा। चलते तो अब निकलते हैं यहाँ से, अब बाहर समय। और यहाँ पर लकड़ी का बनाया गया रेलिंग टाइप में, उतर सकते हैं यहाँ बाहर से। एक बार और अंदर चलेंगे, क्या देखते हैं यहाँ पर कुछ लॉक रहा है यार गेम खेलने में, कुछ है कुछ इस तरह से LED कर। अभी अंदर चलेंगे, रुके एक बार और दिखा देते हैं, यह सामने टाइप सामने को नहीं गए थे, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ LED करके यहाँ पर फिर दिया स्क्रीन टाइप, यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर दरवाजे दिए हैं 1 2 3 4 5 मतलब दिए हैं 6-7। और यहाँ पर आज़ादी के दीवाने, यहाँ पर नाम यहाँ पर दिया गया है, सिटी देखते हैं, यहाँ पर नाम दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर टिप तक देखते हैं, यहाँ पर फूल गिरने लगे हैं आज़ादी के दीवाने पर। यहाँ पर नाम सर्च कर सकते हैं आप, जिसकी जिसका सर्च करना है, जिसे सर्च करते हैं जो इसमें शामिल है। जैसे हम सर्च करते हैं देखते हैं आता है कि नहीं, STB। यहाँ पर सर्च करते हैं कुछ, देखते हैं आता है कि नहीं, नहीं यहाँ पर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है।
नहीं है इसमें, नहीं है। अब इसमें देखिए जो यहाँ पर दरवाज़ा है आसपास में, देखते हैं अभी दिखा रहेंगे कुछ देर में आपको। यहाँ पर सर्च करते हैं, यस सिटी नहीं आ रहा है, लिखवाया आपको इससे सर्च में आएगा नाम। यहाँ पर टिप देख देखिए, यहाँ पर आपको उस पर जूम करके दिखा देगा उसकी अपने लाइफ में। देखो यहाँ पर इसका इनका सर्च किया था हम लोग, इनका आ गया। और सबका इसी तरह स्क्रीन स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनके बारे में। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर दरवाजे हैं पूरे 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे हैं। उस पर देखिए अब इससे बगल बगल में लिखा गया है दूसरा, आप इसे जूम कर हाथ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने जूम किया था अभी, नवाब साहब यहाँ पर दिया है और VR अम्बेडकर करके भी दिया था यहाँ पर। यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट, यहाँ पर एक ही LCD नहीं है, 3-4 हैं LCD आपको दिखा देंगे, जिसमें से ख़राब हो गई है शायद। जैसे कि देखिए आप चलते हैं, ये जो दरवाजे लोग कर रहे हैं ना लाइन लाइन से, देखो यहाँ पर भी यही सब दरवाजे उसमें भी दिए गए थे, उसी में लिखा गया है। देखो बगल बगल में लिखा गया है, यहाँ पर भी चल रहा है, इसमें भी देखते हैं, ये काम नहीं कर रहा है शायद, यहाँ काम नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, ये काम वाम नहीं करता है लग रहा है, इसमें नहीं काम कर रहा है हल्का का बस पूरा नहीं। और यहाँ पर दूसरे वाले में चलते हैं, यहाँ पर जितनी 6-7 दरवाजे हैं उस पर भी लिखा गया है। देखो साफ साफ पूरा दरवाजे पे नाम लिखा गया है, रियल है सब, आप इसे जूम करके भी पढ़ सकते हैं। जिससे मैंने अभी सर्च किया अपने नाम से कार, मैं कश्यप हूँ कार पे, अभी कार सर्च करूँगा, रुको देख कर कार सर्च करके देखते हैं। यहाँ पर खोजते हैं पहले कार को, ये कार लॉक तो नहीं रहा अच्छा से, अभी देखते हैं अभी खोज कर। आप अपना जाति पूछ सकते हैं, सिंह है तो कोई कि वही यादव है तो इसमें मिल जाएगा आपको। तो देखते हैं इसमें कार है कोई, देखते हैं ये साइज कर कर यहाँ पर खोज रहे हैं, नहीं लोग रहा है इसे, यहाँ पर दरवाजा लॉक रहे हैं। देखे यहाँ पर कोई दिखा गया सर्च किया, रामेश्वर कार कर कर यहाँ पर उनका आइडिया का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार मेरी जाति के उनका आ गया, सूरज सिंह शाह इसी कर उस सब का नाम दिया है। आप भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ कर यहाँ पर। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब नहीं आएगा, अब जिसे जिसमें दिया गया है कुछ सब वही आएगा सब। अब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो फुल वीडियो देखिएगा, और इसमें लाल किला का पूरा वीडियो फुल रिव्यू है। देखते हैं यहाँ पर और कुछ सर्च करते हैं मिलता है कि नहीं। हाँ कुछ इनका राजीव शाह करके था, उसे छोड़ते हैं। जैसे कि मैंने अपना नाम सर्च कर दिया, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं देखते हैं, नहीं नाम नहीं आ रहा है उसे, नाम तो नहीं चल रहा है उसे। चलते हैं आगे चलते हैं, ओके चलते हैं। तो
यहाँ से पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। निकलते हैं, अब एग्जिट करते हैं यहाँ से। पीछे देखिए इमारतें लगी हैं पूरी। अब यहाँ पर देखते हैं पूरी वीडियो। आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट में अच्छी कमेंट कीजिएगा। अरे बाहर निकलते हैं, देखते हैं। धूप तो बहुत है वैसे, और छाव में जाते हैं। यहाँ पर जैमर लगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा, फ़ोन वोन आ जाएगा, बंद रहेगा। इसके अंदर ऐसे घुसेंगे, आपका नेटवर्क मोबाइल में तुरंत चला जाएगा अगर इसके अंदर घुसें। ये मार्केट है, और यहाँ पर भैया खड़े हैं अपनी दुकान को देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी गिफ्ट मिल जाएंगे, आपको प्राइस भी फिक्स रहेगी, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर दिया रहेगा। तो आगे कुछ लेंगे, पहले के लिए लेंगे कुछ।